हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई वास्तु टिप्स देते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने घर के वास्तु दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं और कुछ छोटे छोटे उपाय बताते हैं, टोने टोटके उपाय बताते हैं जिस पर बुरी नज़र लग गई है वो दूर कर सकते हैं, काम धंधे बरकत नहीं हो रही वो दूर कर सकते हैं, धन में व्यय अधिक हो रहा है वो कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हम हर वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर क्यों माना जाता है विशेष स्नान का महत्व। मान लीजिए बहुत सारे लोग गंगा सागर भी जाते हैं, प्रयाग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हरिद्वार नहाने जाते हैं, तो मकर संक्रांति पर स्नान का क्यों महत्व है, ऐसा क्या होता है कि विशेष स्नान करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम विशेष स्नान करने के लिए सभी लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, प्रयाग नहीं जा सकते, गंगा सागर नहीं जाते, तो ऐसा घर पर क्या उपाय किया जाए कि आपको भी उन्हीं स्नानों के बराबर का महत्व मिल जाए या उन्हीं स्नानों के बराबर का पुण्य आपको मिल जाए। घर पर ही आपको करना क्या है दोस्तों, एक तांबे का शुद्ध जल लेना। दोस्तों, तांबे के शुद्ध जल के अंदर आपको चंदन है, चंदन को घिस कर आप इसमें कुछ चंदन मिलाएंगे, ऊपर से कुछ इसमें लाल फूल डाल देंगे, या आपके पास अगर गुलाब का फूल है तो वो ले लें, या फिर गेंदे का फूल है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो लाल फूल इसमें डाल लें, उसमें से कुछ चावल डाल दें उसके अंदर, और अगर आपके पास तिल है तो और भी अच्छी बात है, तो तिल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, चावलों के साथ में तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं, और कुछ मात्रा में गंगा जल इसके अंदर डाल दें। अब यह एक लोटा आपका गंगा जल मिलने से, तिल मिलने से, और चंदन लाल फूल और सब चीज़ों के मिलने से एक शुद्ध का भंडार बन गया आपका। तो अब इससे आप स्नान करें दोस्तों, आप अपनी बाल्टी में इस पानी को, आप ठंडे पानी से नहाते तो ठंडे पानी में इसको मिक्सअप करें, मिला लें, और अगर आप गर्म पानी से नहाते तो उसमें इसका इसको मिला लें, और इस पानी से अगर आप स्नान करते हैं जिसमें गंगा जल मिला है, चावल मिले हैं, तिल मिले हैं, चंदन है, लाल फूल है, तो आपको गंगा सागर जैसे स्नान का और प्रयाग के स्नान का और दूसरे स्नानों के बराबर का ही फल आपको प्राप्त होगा। आप अगर बाहर नहीं जा सकते तो ये सब मिलाकर आप घर पर भी स्नान करते हैं तो भी आपको बराबर का ही फल प्राप्त होगा। सिर्फ कोई बाहर आपको कोई बड़ा कार्य नहीं करना, सारी चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाएंगी, तो बस आपको मिलाना है। और एक महान स्नान जो माना जाता है, मकर संक्रांति का स्नान जो माना जाता है, जो बहुत ही उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, उसका फल आपको घर पर ही मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मकर संक्रांति पर स्नान का विशेष और विशेष महत्व होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस प्रकार आप घर पर ही स्नान करके विशेष स्नान का महत्व और उसका फल आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने को। धन्यवाद।